ये गठबंधन तोड़ा है तो धर्म तो उन्होंने नहीं निभाया। मेरा तो ये मानना रहा है, मैं मानता भी उस तरह से हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ना है, संघर्ष लड़ना है, संघर्ष करना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो रहा है। सवाल नीतीश कुमार का अच्छा बुरा होने का नहीं है, उसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमने भरोसा किया और हमारे भरोसा के ऊपर इस तरह से कुटाराघात हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, अलायंस का जो धर्म होता वो नहीं निभाया गया। आपको हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने सूचना भी दी होगी, तो ये तो गलत बात है ना, तो गलत बात का प्रतिकार तो होगा ना, कांग्रेस पार्टी है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ हैरी, आप सभी देख रहे हैं IVTV। बिहार विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान होने थे, जिस दौरान राजद ने दोनों सीटों में अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर डाली। उसके बाद महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी थी। उसके बाद कांग्रेस के विधायक शकील अहमद मीडिया के सामने आए, तमाम बातों को लेकर बातचीत की और कहा भाजपा से जो हमारा वैचारिक मतभेद है हमें उससे लड़ना है और उसमें राजद पीछे हो रही है, और भी तमाम बातों पर क्या कुछ बोल रहे हैं शकील अहमद, आप भी सुनिए। जनता दल ने ये गठबंधन तोड़ा है तो धर्म तो उन्होंने नहीं निभाया। मेरा तो ये मानना रहा है, मैं मानता भी उस तरह से हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ना है, संघर्ष लड़ना है, संघर्ष करना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो रहा है। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि आज के दिन में जो देश के सामने चैलेंजेस है उस चैलेंजेस के साथ किस तरह से सामना करना है, यह है लड़ाई। और राष्ट्रीय जनता दल को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि वो ये लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत की बात है। और यह उन्होंने सुओ मोटो फैसला किया है, खुद से फैसला किया, खुदकार फैसला किया है, तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले फरामोश भी है। दोनों बात मैं कह रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले फरामोश है। इसलिए ऐसा है कि ये दो जगह का मामला नहीं है, और एक सीट तो हमारी ख़ास तौर पर हमेशा से हमारी सीट रही है और उस सीट पे हम जीतते रहे हैं, कम मार्जिन से हारते रहते हैं। जीत हार से इतर जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी से अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो आपको व्यक्ति, छोटे छोटे व्यक्ति हो, समूह हो, और कांग्रेस पार्टी तो बहुत ही राष्ट्रीय दल है, उसके साथ अगर आप गठबंधन तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वैचारिक सतह पर मजबूत कर रहे हैं, यह है बड़ा प्रश्न। डिफरेंसेस इतना बड़ा कैसे हो गया? ये सवाल डिफरेंसेस का नहीं है, बातचीत का आधार होता है, संवादहीनता के माहौल में लोग रहते हैं। और हमको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है राजद में हो, क्योंकि घर में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने ही पुत्र कह रहे हैं कि बंधक बना दिए गए हैं, तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन भी हो। लेकिन क्या है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। क्या मनमानी हो रही है क्या राजद की तरफ से? नहीं, ये तो मनमानी ही है ना, ये तो कह रहे हैं कि ये तो मनमानी ही ना है, इसको मनमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मान लीजिए कि कोई बैठक नहीं हुई, दोनों सीटों पे कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कैंडिडेट्स कौन होंगे, इस पे बात विचार होता है, तो ये सब कुछ। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दो कदम आगे बढ़ करके बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बिहार में। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे दल के तमाम नेता, हमारे कार्यकर्ता, जिस भी उनकी जैसी भी ताकत है पूरे 3800 ज़िले में, तो वो लोग इस बात को कभी भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं कि हमको एक गठबंधन का धर्म निभाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक संघर्ष करना है, उनको हराना है। तो ये सबसे इतर इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी लड़ाने की तैयारी है, मैदान हमारे पास, समय है ना, हम कर लेंगे घोषणा। अब तो हमारे तरफ से बिल्कुल ये सामने स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जो प्रश्न मैं कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, राजद स्थिति स्पष्ट करे कि उसका जो वैचारिक धरातल है भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है कि नहीं है, नंबर 1। वैचारिक धरातल है भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और उनका जो राजनीतिक समूह है, ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ, वोट देने वाला समूह है, उस समूह ने ये बात, तो आप लोगों को बारी सिद्दीकी से पूछना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या अब कांग्रेस असहज महसूस कर रही है गठबंधन में?
सहजता आहस्ता का प्रश्न ही है। कांग्रेस पार्टी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा अच्छा नीतीश कुमार? सवाल नीतीश कुमार का अच्छा बुरा होने का नहीं है, उसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमने भरोसा किया और हमारे भरोसा के ऊपर इस तरह से कुटाराघात हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, अलायंस का जो धर्म होता है वो नहीं निभाया गया। आपको हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने सूचना भी दी होगी, तो ये तो गलत बात है ना, तो गलत बात का प्रतिकार तो होगा ना। कांग्रेस पार्टी है, पहले ऐसा हुआ था क्या कभी जब नीतीश कुमार के साथ आप लोग थे उस वक्त भी बड़ी कई बार चुनाव? वो तो बात मैंने कही है कि भाई चुनाव जब हम लोग 2015 में महागठबंधन के साथ लड़ रहे थे तो हमें नीचे से लेके ऊपर तक गठबंधन की एक सही राजनीति दिखती थी, वो आज नहीं दिखती है। मैंने नीतीश कुमार के साथ से तो ज़्यादा सही, हमारा स्ट्राइकिंग रेट भी अच्छा था, 41 में हम 27 लाए थे। तो इट इज़ बिकॉज कि नीचे से लेके जो हमारा जो वोटों का आधार था, जो समूह था, सब लोग एकत्रित होकर वोट डाल रहे थे। इस बार आपने देख लिया कि क्या हुआ है, और इसलिए मैंने नाम लिया है कि उनसे पूछा जाए कि जो आधार है आपका समूह, वोट का समूह जिसके ऊपर नाश करते हैं, वो कहाँ खिसक गया और किसको वोट दिया। तो सुना आपने शकील अहमद ने क्या कुछ कहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव की दोनों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से कौन दो उम्मीदवार उतरते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आईवी टीवी। हम यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।